नमस्कार, द नगरी मीडिया की खास पेशकश खबर दिनभर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसगढ़ रोड पंचायत समिति के प्रवास पर रहे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर आज शिक्षा मंत्री ने मीडिया को फिर बयान दिया। शिक्षा मंत्री बोले कि राजस्थान अध्यापक पात्रता की हमने कल घोषणा की है, 2-4 दिन में इसका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आने वाले समय में 4 लाख नौकरियां देगी। शिक्षा विभाग में कई पदों पर भर्ती होगी। उदयपुर में पैंथर के आतंक ने ग्रामीणों से लेकर प्रशासन हर किसी को चिंता में डाल रखा है। एक बार फिर पैंथर के हमले की खबर आई है। जब सायरा में कोमल के भील बस्ती में पैंथर ने हमला किया तो उसे ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। पैंथर के हमले से भैंस को बचाने के लिए देवाराम ने कोशिश की तो पैंथर ने देवाराम पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद ग्रामीणों ने एकजुट होकर पैंथर को घेरा और पीट पीट कर मार डाला। सूचना पर सायरा थाने की पुलिस और वन विभाग मौके पर पहुंची। वन विभाग ने पैंथर के शव को कब्जे में लिया। बीजेपी से बगावत कर चुनाव जीतने वाले डीडवाना विधायक यूनुस खान सरकार के खिलाफ लगातार मुखर नजर आ रहे हैं। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बातें बेमानी है। विधायक ने कहा कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होने से अधिकारी बेलगाम है। उन्होंने सीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लाडनू में मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाजपा प्रत्याशी ही हमारा विधायक है, ऐसा है तो फिर चुने हुए विधायक का क्या काम है। उन्होंने कहा कि ये जनादेश का अपमान है, कम से कम मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। जयपुर पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा की बड़ी साजिश नाकाम की है। रोहित गोदारा ने रवि नाम के एक बदमाश को एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए कहा। बदले में रोहित गोदारा ने रवि की दुश्मन की हत्या करवाने का वादा किया, यानी दोनों एक दूसरे की मदद करते और हथियार शूटर उपलब्ध करवाते। हत्या की प्लानिंग करने के लिए, शूटर रुकवाने का इंतजाम करने के लिए ये आरोपी होटल ढूंढ रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में सेना ने शुक्रवार को बम को डिफ्यूज कर दिया, जिसके बाद आसमान में धूल का गुब्बारा उठा और जोर का धमाका हुआ। यह बम करीब 2 महीने पहले शिव विहार कॉलोनी के पास मिला था। इस बम को डिफ्यूज करने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। यह बम करीब 2.25 महीने पहले मिला था, जिसके बाद पुलिस ने इस बम को सुरक्षित रखवाया था। सूरतगढ़ एरिया में मिलिट्री स्टेशन होने के चलते यहाँ बड़ी संख्या में मिलिट्री की मूवमेंट होती रहती है। आशंका जताई जा रही है कि ऐसा ही किसी मूवमेंट के दौरान बम गिर गया होगा। पिछली सरकार के दौरान हुए पेपर लीक मामले में एसओजी लगातार खुलासे कर रही है। दूसरी ओर भजनलाल सरकार भी भर्तियों में तेजी लाने के लिए जुटी हुई है। बीते 10 अक्टूबर को बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। भर्ती में तेजी लाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही न्यायालय में लंबित भर्ती प्रकरणों के समय पर निस्तारण को लेकर प्रभावी पैरवी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिले में कई स्थायी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी सहित अन्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए। नवमी पर आज हनुमानगढ़ जंक्शन के महाकालेश्वर मंदिर में कन्याओं का पूजन किया गया। नगर परिषद की पूर्व सभापति पार्षद नगीनाबाई, पार्षद तरुण विजय और गुरप्रीत सिंह बब्बी ने 22 कन्याओं का पूजन किया और प्रसाद वितरण किया। नवरात्रि के आखिरी दिन कंजक पूजा पर नगीनाबाई, तरुण विजय और गुरदीप सिंह बब्बी ने कन्याओं को उपहार भी वितरित किए और क्षेत्र के अमन चैन की दुआ भी मांगी। हनुमानगढ़ जंक्शन के सीतापुरा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के कारण पंजाब हरियाणा जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वहां चालकों को कई किलोमीटर घूमकर पंजाब हरियाणा और सांगरिया जाना पड़ रहा है। इसी संबंध में आज जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अशरत अली और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने सीतापुरा रेलवे फाटक का निरीक्षण किया और वाहन चालकों के लिए रूट चार्ट बनाने पर चर्चा की। सीतापुरा रेलवे फाटक पर ये ओवरब्रिज पिछले 7 सालों से बन रहा है और अब जिला कलेक्टर कानाराम का कहना है कि 4 महीने में काम पूरा कर दिया जाएगा। उचरा नागौर में आयोजित राज्य स्तरीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धुआला जहाजपुर के खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। वहीं प्रधानाचार्य महेश खटाना ने बताया कि स्थानीय विद्यालय के 11 विद्यार्थियों का
चयन राज्य स्तरीय रग्बी फुटबॉल के लिए हुआ था। शाहपुरा जिले की 9 सदस्यों का दल 48 खिलाड़ियों के साथ गया था, जिसके दल प्रभारी मानसिंह मीणा थे। शाहपुरा दल बुधवार को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेलकर टीम के साथ ग्राम पंचायत धुआला पहुंचा तो स्थानीय ग्रामवासियों, भामाशाहों और विद्यालय परिसर के सदस्यों द्वारा टीम का स्वागत किया गया। नोएल टाटा को शुक्रवार को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया। दिवंगत रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। नोएल टाटा टाटा परिवार के प्रमुख सदस्यों में से एक हैं। आपको बता दें कि ये रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और कई दशकों से रतन टाटा के समूह में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। नोएल टाटा की पृष्ठभूमि और अनुभव उन्हें प्रतिष्ठित पद के लिए उपयुक्त बनाते हैं। उनकी माँ सिमोना टाटा जानी मानी टाटा परिवार की सदस्य हैं और उनके पिता नवल टाटा टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कई प्रमुख कंपनियों में नेतृत्व भूमिका निभाई। तो इसी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आप देख रहे हैं खबर दिन भर बुलेटिन। मैं हूं अभिजीत शर्मा, नमस्कार।